Topic is Rakhi making, those who come late. Recorded. I'm starting recording. So, this is our sheet. We are making Rakhi. I've taken one object, circle object. Not very big, not very small. I put here, okay? Then, I made a circle. Those who come late, they can see it's very simple. I made a circle. Okay, see. And then I'm cutting it. I am cutting it through scissor. Use scissor for cutting. Now you can cut, I know. Try to cut and those who not, they can see. Okay, see, very simple. I cut it. Okay, now I am folding it. Okay, very simple, in a simple way I am folding it. Then dekho maine aise fold kiya circle. I cut it like circle, then I fold it one and two times. Easy. Thumbs up if you like, if you understand it, thumbs up. You understand it beta? Okay. Now I will cut it. Dekho main kaise zigzag cut kar rahi hu. Thoda cut kiya, phir isko idhar turn kar diya. See, main aise zigzag cut kar rahi hu, okay? V ke tarah. I am cutting it like a V. Okay. A लिखते हैं ना, A या V लिखते हैं, उल्टा भी वैसा मैंने इसको कट किया. See. तो हम खोलेंगे तो इसके edges आ जाएंगे. देखो, edges आ गए ना. It is edges. Now. मैंने पहले से भी एक बना के रखा है आपको दिखाने के लिए. सी, मैंने पहले से एक बना के रखा है. आई मेड वन फॉर टू शो यू. ओके, अभी हम क्या करेंगे, सिंपल पेपर लेंगे, कोई भी कलर का जो पिंक के साथ अच्छा लगे. वी विल मेक टू डिफरेंट शेड्स. एक सिंपल सा पेपर लिया, इसको मैंने फोल्ड किया. एक्चुअल हाफ पेपर ही चाहिए मुझे, छोटा सा फ्लावर बनाना है. आई विल मेक स्मॉल फ्लावर, सो आई विल टेक हाफ. और जो भी बचता है, जो भी मटेरियल आपके पास बचता है, वो संभाल के रखना. मैं इसको भी बहुत संभाल के रखूंगी, और ये जो टुकड़ा बच रहा है इसको भी नेक्स्ट टाइम कोई क्राफ्ट में यूज करने के लिए. तो ये पेपर मैंने लिया, सी, एंड देन आई विल फोल्ड इट. वन फोल्ड. टू फोल्ड. ठीक है, ये देखो, टू फोल्ड किया. दो फोल्ड के बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसको बनाना है क्या? यस बेटा, डोंट स्पीक, रिकॉर्डिंग इज देयर, रिकॉर्डिंग इज देयर, डोंट स्पीक. सी ये डबल फोल्ड के बाद ये कॉर्नर से मैंने फोल्ड किया. कॉर्नर से फोल्ड करने के बाद मैं क्या करूंगी, इसको ऐसे और ऐसे एक शेप दे दूंगी. लीफ के तरह शेप दिया मैंने, और ये शेप को मैं कट कर लूंगी. आई विल कट दिस शेप. मैम, अभी जो तुमने एग्जैक्ट करा ना, वो बना देयर. Recording is there. See, don't speak. We are recording. I will give you chance to speak, okay? When I finish, I will ask you how much you understand. When I finish, I will ask you
द प्रॉब्लम सी, मैंने वो जो लीव कर किया था उसको कट किया, और जब मैं इसको खोलूंगी व्हेन आई विल ओपन इट, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा बिकॉज इससे थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, ये जो ये दिस पिंक जो मैंने ये बनाया बेस उससे थोड़ा छोटा बनाएंगे, तो मैं थोड़ा छोटा कट करूंगी। ओके, बहुत ही छोटा सा कट करूंगी। सी, जब मैंने इसको ओपन किया तो ये ऐसा हो गया, नाइस राइट ना। और मैं इसे एक किसी भी कागज के ऊपर रख के आई विल पुट इट इन वन पेपर, देन इसके एजेस मैं कलर कर दूंगी रेड कलर के स्केच पेन से, बॉर्डर्स आई विल मेक बॉर्डर, इट विल लुक वेरी गुड। आप खुद से बनाओगे ना तो आपको बहुत आइडिया होगा कि कैसे करते हैं। देखो है ना, सिंपल, वेरी सिंपल। और फिर मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगी, आई विल पेस्ट इट हियर। ओके, मैंने एक ब्लू कलर का भी कट करके रखा है, सी थोड़ा बड़ा, सेम ऐसे ही। तो मैं इसके ऊपर इसको ब्लू के साथ बहुत अच्छा जाएगा, तो मैं इसके ऊपर इसको पेस्ट कर दूंगी, आई विल पेस्ट इट थ्रू फेविकॉल। ओके, सी आई एम पुटिंग फेविकॉल एंड आई एम पेस्टिंग इट हियर। सिर्फ बीच को पेस्ट करना, इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर ही रखना, सी मेक इट लिटिल अप, सो इट विल लुक वेरी गुड। ठीक है, नाउ एनी डिफरेंट कलर, वन सेकेंड, पीपल आर कमिंग स्टिल, एनी डिफरेंट कलर। वो जो छोटा सा पिंक कलर काटा था ना, उसका छोटा सा टुकड़ा लूंगी मैं, आई विल टेक स्मॉल पार्ट, एनी डिफरेंट कलर, नॉट सेम शेड, एंड आई विल पेस्ट इट हियर। सी कितना अच्छा लग रहा है, लाइक यू लाइक इट, थम्स अप, आई कैन सी एवरीवन, आई विल शो यू, सी यू अंडरस्टैंड एवरीवन, थम्स अप करो। You can make it. Can you make it by your own without the help of your parents? Okay? Abhi? Now see. This is my Dory. Okay? I will paste it here. Back side. ये एकदम स्ट्रेट करके हम पहले देख लेंगे, वी विल सी इट इज इक्वल होना चाहिए, सी दिस टू बी इक्वल। ओके, तो ये मिडिल हुआ मेरा, आई विल पुट गम ऑन द मिडिल ऑफ द बॉर्डर एंड देन आई विल पेस्ट इट। वन मोर थिंग वी हैव टू डू, ये जो मैंने पेस्ट किया ना, इसके पीछे मुझे एक छोटा सा पेपर लगा देना पड़ेगा सर्कल, सो इट विल नॉट ओपन व्हेन वी विल टाई। ओके, वी विल मेक स्मॉल सर्कल ऑफ हार्ड पेपर, हार्ड पेपर का स्मॉल सा सर्कल मैं कट कर लूंगी। सेम वे आप कट कर लेना अपने एजम्पशन के हिसाब से, थोड़ा इधर उधर सर्कल कट होगा तो देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। Don't speak, beta. Recording is there. I have to send to recording to you also. See, I paste it. Yeah. Done. Then I will paste it here. In my craft book, मैंने ये craft book का project था, this is my craft work project,
So I will paste it here and I will one more I will make. एक और मैं बनाऊंगी जो मैं यहाँ लगाऊंगी. ओके आई विल मेक वन मोर दैट आई विल पेस्ट हियर. छोटा सा फेविकॉल लगा के आई विल पेस्ट इट लाइक दिस. वन मोर आई विल मेक. That I will make through quilling. Neelam Shah, please stop presenting. Neelam Shah, stop presenting. Okay, now you quilling papers. If you have not quilling paper. Then, आप घर पे कोई भी पेपर हो उसको पतला सा स्ट्रिप कट करके यू कैन कट स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ दिस पेपर एंड मेक इट क्विलिंग पेपर. ओके देन सर्कल इट ऐसे सर्कल मेक इट सर्कल. और आई हैव क्विलिंग रोलर. आई हैव क्विलिंग रोलर. अगर आपके पास नहीं है होगा भी नहीं सर तो आप ऐसे ऐसे हाथ से सर्कल करना. ओके नो प्रॉब्लम. इफ यू हैव नो क्विलिंग पेपर समवन इज प्रेजेंटिंग. नीलम शाह प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग. नीलम शाह स्टॉप प्रेजेंटिंग. नीलम शाह सी मेरे पास ये रोलर है. आई हैव रोलर इसलिए आई विल सर्कल इट लाइक दिस. See, I am circling. Neelam Aarti Bhatt, now you are presenting. Stop presenting. Yeah, very good. Very good. See, मैंने circle किया. Quilling is very good. I made lots of earrings through quilling. I will show you. मैंने ये सर्कल किया ठीक है. क्विलिंग पेपर का सर्कल. आई मेड क्विलिंग पेपर सर्कल एंड इसके एंड में आई विल मेक पुट फेविकॉल. सी किड्स पेरेंट्स बच्चे बहुत छोटे हैं इसके लिए मैं बहुत सिंपल बना रही हूं ताकि वो बना सके. ओके देखो मैंने ये सर्कल बनाया क्विलिंग का है ना. अच्छा लग रहा है ना. यू लाइक इट थम्स अप. वेरी गुड. अभी एक डिफरेंट कलर का पेपर लूंगी मैं. एनी डिफरेंट कलर. मैंने ग्रीन लिया ठीक है. और उसको मैं इसके ऊपर चिपकाऊंगी. थोड़ा डिफिकल्ट बताओ आप कर पाओगे या ये सिंपल अच्छा है. पेरेंट्स थम्स अप करो. थोड़ा डिफिकल्ट बताओ मैं. ओके नाउ पूनम शाहू स्टॉप प्रेजेंटिंग. मैंने इसके एजेस पे फेविकॉल लगाया एंड आई पुट दिस. ओके एक और कलर लगा के मैं इसका सर्कल बनाऊंगी. बहुत सिंपल है. अगेन आई एम फोल्डिंग. अब मैं हाथ से ही कर रही हूं और जब मैंने दो फोल्ड कर दिया तो मैं थोड़ा सा प्रेस करूंगी लिटिल प्रेस. और जब प्रेस करके फिर थोड़ी दूर पे जाके प्रेस करूंगी तो मैं इसको एक ट्राइंगल शेप दे रही हूं. त्रिकोण. आई एम मेकिंग इट त्रिकोण ट्राइंगल शेप. ओके सी सिर्फ हमें क्या करना है सर्कल ट्राइंगल के कॉर्नर को थोड़ा दबा देना है. वी हैव टू प्रेस द कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल शेप. ओके
ध्रुवीन शर्मा स्टॉप कर दे। सी इट विल लुक वेरी नाइस व्हेन इट विल डन। यू ट्राई क्विलिंग ओके। सी Now, I will paste it here. मेरा कटा हुआ था। Like it? Thumbs up. नहीं दिखा? ओ वन सेकेंड मैं अच्छे से दिखाती हूँ आपको। मैं दिखा देती हूँ आपको। Can see now. Now you can see. Same way. मैंने पहले से भी बना के रखा था आपको दिखाने के लिए बहुत सुंदर सा। ये देखो मैंने ये पहले से बनाया था पर I will use it. Same way. हम डोरी लगाएंगे। We will paste डोरी here. तो दूसरा बन गया मेरा क्विलिंग वाला राखी। आई मेड वन मोर क्विलिंग राखी सी। ओके सेम वे आई विल पेस्ट इट हियर। सो टू राखीज आई मेड एंड पेस्ट इट हियर। ओके कैन सी।